पागल हो जाओगे, 111 नंबर का पेपर था और लोगों ने 60 नंबर तक हासिल नहीं किया जिससे शनिवार का टेस्ट। तो एक जरा समझो, एक घटना बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने अभी एक बाइक खरीदी, उसने ये कहा कि ये बाइक मैं उस दिन चलाऊंगा जिस दिन जितने भी सिग्नल है वो सारे ग्रीन हो। वो सारे क्या होंगे? ग्रीन। ऐसा हो सकता है क्या? आप यही कर रहे हो पढ़ाई में और टेस्ट में। आप चाह रहे हो दुनिया की हर कायनात तुम्हारे टेस्ट की तैयारियों में लग जाए, जबकि कायनात उल्टी चलती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी निकालो, अच्छा हो भी जाए तो निकलना तो पड़ेगा। जो टेस्ट इंजीनियर है उनसे भी करो, निकलो तो हो सकता है ये भी हो जाए, सारे ग्रीन हो जाए। पढ़ो तो शनिवार के टेस्ट को आपको इसलिए भी ब्रेक किया गया है ताकि आपको रोटेशन ना टूटे, है ना। 10 से 11 आप शनिवार का टेस्ट लगाओ। अगली बात, कई बार बच्चा कहता है नहीं हम तो MPSI बनेंगे। अब MPSI 17 से नहीं निकली, हो जाओ ओवर एज, मर जाओ उसके लिए। मेरे पास कई बार बच्चा ऐसे जेब में हाथ डाल के आता है, जीने पे बोलता मुझे MPSC कर रहा, मैं वापस कर देगा। आप अपने घर परिस्थितियों को समझो कि तुम गरीब आदमी हो, पैसा कमाना खा भी नहीं है, अब तुम लगे SSC MPPSC बनना है SSC। अरे दादा तुम देखो तो परिवार में, 2 साल बाद तुम्हारा शादी, लड़कियों को तो इतना प्रेशर होता है शादी इसका हिसाब किताब, तुम समय बर्बाद कर रहे हैं 17 से लेकर अब तक। भाई समझो, मैंने बहुत पहले कहा था कई बच्चों से कि MPSI के चक्कर में मत पड़ो, जरूरत ही नहीं है। डायल 100 में SI आएगा कि कॉन्स्टेबल आएगा, और फिर जब SI को दोगे तो उसको सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं सैलरी ज़्यादा होती है, रहने का अच्छा, खाने का अच्छा, कपड़े का अच्छा, मतलब 1.5 गुना सैलरी होती है लगभग। क्यों सरकार पैसा खर्च करे, उससे अच्छा 2 कॉन्स्टेबल हायर कर ले, 1 SI से अच्छा 4 कॉन्स्टेबल हायर कर ले। कॉन्स्टेबल से आप हर काम करा सकते हो, SI से आप लिमिटेड काम करा सकते हो। तो बेहतर ये है कि SSC JD आप अपना लक्ष्य बना लो और पहला पेपर निकालो, चाहे तुम्हारी हाइट कम हो चाहे हेल्थ कम हो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है शनिवार का टेस्ट। हम जैसे ही जिस दिन पटवारी का ये बैच खत्म होगा उसी दिन से टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। हर दिन हम 100 क्वेश्चनों से निकलेंगे। भरो फॉर्म, हाइट के चक्कर में मत रहो, हेल्थ के चक्कर में मत रहो, हमें पता है एग्जाम निकलना जरूरी है, ये समझो। आप पहले नेशनल 24,000 वैकेंसी में जब एग्जाम निकलेगा तो तुम MPPSC नहीं, तुम हर एग्जाम निकालो। 1 लाख की वेट नहीं करो, वो ऐसे ही आएंगी चली जाएंगी, क्योंकि उसमें तैयारी का समय नहीं देंगे। 11 महीने बचे हैं चुनाव, अगले 6 महीने फिर वो ऐसी एक आध दो निकालेंगे। तो SSC JD को लेकर मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो डाला है 10 बजे, आप जरूर उसको देखो और समझो कि शनिवार का टेस्ट आप कायनात नहीं लगेगी कि तुम्हें ऐसी समझाएंगे। बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं हम मार्ग से भटक चुके हैं। सोचो जब आग उसमें लगी थी तब तुम MP पुलिस नहीं निकल पाए, अब तो तुम गर्रा चुके हो 1 साल। तरीके से चलो, अपने आप को पहचानो। मैंने कई ऐसी सुविधा चालू की है जो मैंने मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैंने एक एक सब्जेक्ट की फीस लेना चालू कर दी है कि भाई तुम बताओ कि मुझे GK ही पढ़ना है, मैं GK बस की फीस लेने तैयार हूँ, मुझे रीजनिंग ही पढ़ना है। एक लड़का सुबह 2 रीजनिंग पढ़ रहा है, मैंने कहा पढ़ भाई। आप अपने आप को पहचानो, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपडेट करो। मुझे नुकसान होता है ऐसे बैठा लेने में, एक एक सब्जेक्ट में कोचिंग भरी दिखती है, एक सब्जेक्ट से मिलते जिस कुर्सी से मैं 600 कमा रहा हूं उससे 300-200 मिलता है। मौका बार बार नहीं आएगा। SSC JD तुम्हारा पहला पेपर है, उसमें अगर तुम सिलेक्ट हो रहे हो तो बाकी सब में सिलेक्ट हो जाओगे 2022 में, देख लो आप। SSC JD जहां पे तुम तैयारी नहीं करोगे बाकी सारे बिगड़ते रहेंगे। बढ़िया 10वीं पास फेस है, हाइट कमजोर है, मैं कहता हूँ फिजिकल कर जाओ, अपना मजाक उड़वा वापस आ जाओ। मैं आता भाई साहब, हम 17 साल में गए थे, 17 साल के थे, MP पुलिस की तैयारी में, सब मजाक उड़ा रहे थे, 17 साल की काय आ गए भगाते। हम डॉक्यूमेंटेशन तक गए, डॉक्यूमेंटेशन में भगा आ गए सर, लाइन में तो खड़ा होने का चाव आता है। तुम ये फील करो SSC JD में हमारी हाइट नहीं होगी, हम मजाक उड़वाने जरूर जाएंगे फिजिकल देने, लेकिन जाएंगे जरूर। मजा आता है, भगवान को भी पता चलता है कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी होगी। समझ में आ रहा है, SSC JD का सपना देखना चालू कर दो, और उसका सबसे अच्छा तरीका है शनिवार का टेस्ट, और फिर उसके बाद दम से मारो टेस्ट सीरीज। और ध्यान रखना
अस्सी पचासी से नीचे जनरल तो नहीं आने वाला, 24,000 पूछते हैं, भरे बैठे बच्चे पेपर अभी से बता दे रहा हूँ, आप उसका भी बता दिया आवकारी का, सेम टू सेम आरक्षक का पेपर आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा 0.5 स्थानों पर, जिसमें मूलधन भी दिया होगा, दर भी और समय भी, गारंटेड क्वेश्चन, भाग के नियम आएंगे 13, 39, 49, 67 के, 4-4, 5 का क्वेश्चन, जो तुम्हारा एमपी पुलिस का पेपर रहा है वही का वही आवकारी का आएगा, दमई नहीं है नया सिलेबस लाने, और वही तुम्हारा अगले में रिपीट करेंगे, वही पैटर्न चलेगा, रीजनिंग 40-50 नंबर, क्लियर है, आवकारी में कोई चेंजेस नहीं होगा, आवकारी का भी भरना 10 दिसंबर से है, चलो चलो ठीक लिखो।